गुड मॉर्निंग ऑल, कैसे हैं आप सब लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यार ये व्लॉगिंग के चक्कर में ना एक चीज़ तो अच्छी हो गई, मैं पहले सुबह लेट उठता था 11, 10, 12, लेकिन अब सुबह 8 बजे ही ना उठते, ये मतलब मन में ख्याल आता है कि वीडियो देख लेता हूँ चला के, एडिट करना कि कैसे ठीक, फिर उसको अपलोड करना। तो ये काम तो अच्छा हो गया कि मैं 9 बजे तक अपनी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। पहले थोड़ा जल्दी हो जाता था, लेकिन अब 9 बजे मैंने टाइम फिक्स किया है। बाकी आज जल्दी उठ के नहा के रेडी हूँ, एक दो काम करने जाना है। अब मेरे खुद के पर्सनल काम है, एक तो कोर्ट में जाना है, देखो कोर्ट में बात बनेगी या नहीं बनेगी। फिर कुछ गाड़ियाँ देखने जाऊँगा, आज गाड़ी लेनी है, सरप्राइज़ है ये। और मम्मी अंदर खाना बना रही हैं, ब्रेकफास्ट आज मैंने जल्दी कर लिया था ब्रेकफास्ट, अभी खाना देखता हूँ रेडी है या नहीं रेडी हुआ तो आके खाऊंगा। बाकी राजस्थानी डिश बना रही है मम्मी, छोटे भाई ने बोला था इसलिए मैं बोलता तो नहीं बन रहा। दो दिन से छोटे भाई बोल रहा, तो आज उसकी डिश पूरी होगी, देखता हूँ। मम्मी वैसे गुस्सा तो हो गई थी सुबह, उनको दोबारा जाके परेशान करता हूँ। पता नहीं मम्मी को मेरे से क्या दिक्कत है, मेरी एक भी बात नहीं मानती, सारी बात छोटे की मानती है। 15 दिन से बोल रहा हूँ चूल्हे पे रोटी बना दो, चूल्हे पे नहीं बनाई। लेकिन आज उसने बोल दिया ना दाल बाटी के लिए, देखो राजस्थानी डिश है दाल बाटी, सुबह सुबह उठ के प्रिपरेशन करके दाल बाटी बना रही उनके लिए। क्या होगा फिर, तेरे लिए तो पहले 3 दिन बना दे, कल खा 3 दिन, 2 दिन तो मैं राजस्थान, 2 दिन हुए मेरे को राजस्थान से आए, उससे पहले खा कर आया था ना चूल्हे की। कब खा गया उससे पहले? मैं शिमला गया हुआ था 3 दिन। रैंड तो झूठ मत बोलो, झूठ नहीं बोलती। ऊपर अभी उसमें वीडियो में उसने स्नैप डाली थी, स्नैप तो मैं यूज ही नहीं करता, वो जो भी डाला था उतना डाला था, ठीक है स्टेटस लगाया होगा। फिर अब बढ़ जाएंगे, एक भाई साहब बैठे हैं देखो, काम वाली दीदी है, काम कर रही है यहाँ पे, और उसको डराने के लिए अपना खाना बचाने के लिए वहां पे बैठ गया। अब वहां से उठेगा नहीं तब तक वो जाएगी निकाल करके, वो बैठा बड़ा बेईमान आदमी है। तो आज छोटे मोटे काम करते हैं घर के, नहीं तो पापा डांटेंगे। पर्सनली मेरे को भी मेरा काम है छोड़ा। आगे है ये अमन भाई है और ये विपिन भाई, आज हम तीनों जाएंगे, थोड़ा सा काम है करके आएंगे, नहीं तो पापा घर से सच में बाहर निकाल देंगे। घूमना नो वो काम करो। अंकल राम राम। ये त्यागी अंकल हमारे, हेलो। ये एवरग्रीन है, एवरग्रीन 50 साल के होने वाले, लेकिन 25 साल के लड़के जितनी इनके हो रहे हैं। और ये इनके बड़े भाई अंकल राम राम। वीडियो देखते ना मेरी डेली? ये नहीं देखते? नहीं देखते, वो देखते हैं डेली। अरे वो तो चलाई थी उसने। चलो अंकल मिलते हैं, ओके बाय बाय। बहुत बढ़िया व्लॉग लगा आपका, मजा आ जाता है बिल्कुल सुबह उठते ही बिल्कुल। तूने कमेंट करा था ना वो ब्रेकफास्ट वाला? हां वो मैंने करा था, मजा आ जाता है भैया देख। होता है थोड़ी बनावा कैसे ऐसे गाड़ी करके, कैसे पहले गाड़ी दिखा, हम दिखा दी ऐसे करके कि बस बंद करिए रोक के, अब एकदम तो घुमा के यहां तो पहुंच गए हैं, अब चलते हैं। सो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं, चलते हैं अपना। आओ दोस्तों, भाई आज हम आए हैं गाड़ी देखने के लिए नहीं, और अंदर चलते हैं। बैठ तू। सेक्सी गाड़ी है, देख के बैठ के देख पूरा अंदर से। अभी गाड़ी देख के आए अंदर, होंडा सिटी और अमेज। अभी जाएंगे हुंडई वहाँ पे और देखते हैं वरना और वेन्यू, फिर जोन सी पसंद आएगी वो लेनी है। भाई गाड़ी देखने के लिए आए हैं वरना, वेन्यू और i20, ठीक है भाई दिखाएंगे। भाई से पहले भी गाड़ी काफ़ी ले जा चुका हूँ मैं, और एक कुछ सरप्राइज है देखने के लिए आए हैं, मज़ा आएगा। ये अपनी वेन्यू तो देखेंगे, संदीप भाई हैं, कभी भी आओ संदीप भाई से मिलना, यहाँ sector 22 द्वारका में बेस्ट डील देते हैं गाड़ी की, और सबसे बेस्ट चीज़ दिखाते हैं। देखेंगे वेन्यू कौन सा मॉडल है, मिड मॉडल ना भाई, मिड मॉडल है, SX मॉडल। भाई लेके आ गए कॉफी एंड थैंक यू दोस्त। लो भाई संदीप भाई आप लो पहले लो ना, अरे भाई आप बड़े यार, कोई बात नहीं और आ जाएंगी भाई, आ जाएगा, थैंक यू भाई, उधर से उनको दे दो भाई। 4 बज चुके हैं, फाइनली गाड़ियां देख के आए हैं 4-5, अब लेनी तो उनमें से एक ही है, ठीक है कागजी कागज पूरी करनी है, गाड़ी वाड़ी तो देखा ही, मम्मी गुस्सा कर रही होंगे तगड़े वाला घर पे, क्योंकि 4 बजने वाले हैं, खाना सुबह का बना हुआ है, जब मैं निकला था अभी तक कुछ खाया पिया नहीं, ना ब्रेकफास्ट करा, जाते तो डाइट मारेगी, ठीक है। और खाना ठंडा और क्या मैं गर्म करने के लिए बोलूँगा, फिर तो भाई बुरी बुरी बात लगने वाली है,
बाकी बस अब भाइयों को ड्रॉप करूंगा। आज का थोड़ा सा टाइम भी काफी अच्छा बीता क्योंकि घर पे पड़े पड़े बोर भी हो जाते हैं, आज कुछ काम था। तो बाकी देखते हैं घर पे क्या होता है, मेरा मिलते मम्मी से जाके, गलत पकड़ गया होगा सारा। फाइनली घर पहुंच गए। अच्छा मम्मी, माँ सो रहे हो क्या? खाना गरम कर दो ना, भूख लग रही है। 5:30 बज गए, अभी आया हूँ मैं। नहीं कहती हूँ, बना दिया मैंने गरम करके माइक्रोवेव में, खा लो। आप कर दो ना, बाहर तो आया हूँ भाई, परेशान मत करना। खुद करना पड़ेगा अब 5:30 बजे खोल करके खाने का। मैं मोमोज खा लूंगा बाहर। माँ मोमोज खा, मोमोज जैसा हो गई है। तो अपने आप ही कर लेते हैं गर्म। बाकी 5:30 बज गए, टाइम तो है नहीं है गर्म करके खाने का। फिर कुछ तो खा ही लेते हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया। अभी सो रहा था, अब इसको खाने का चाहिए। कोई खाता हुआ दीजिए तो छोड़ता नहीं है खाना, सबको डिस्टर्ब करता है। ओए घूमने चले, चले घूमने। अभी इसका खाने पे फोकस है, घूमने पे नहीं है। खाना खाते ही परेशान कर देगा कि घूमने चलो। ये देखना, ये स्टाइल स्टाइल देखो। आमी यहाँ सब बैठ के मटर छील रहे हैं, गाती घर में देखा। मैं सोचा आप सो रहे थे। घुमाए पापा घोड़े बेचा, सॉरी थे नहीं मम्मी घोड़े बेचा। सो आज का बैकग्राउंड देख के आपको अभी पता तो चल गया होगा कि मैं कहाँ आया हूँ। आप वीडियो एडिट करने के लिए आया हूँ। तो यार आज जैसे आपको पता है मैं सुबह गया था, बड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ, इतनी सारी गाड़ी देख ली। तो आप मेरे को सजेस्ट करो कि मेरे को कौन सी लेनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। मेरे दोस्त भी, उनको भी समझ नहीं आ रहा क्या, लेकिन गाड़ी मेरे को लेनी है 2 महीने में। आप लोग बताओगे, सजेशन दोगे तो मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा, और मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का। तो प्लीज कमेंट करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहे और मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं, मेहनत करता रहूं। व्लॉग्स में कोई कमी हो तो प्लीज वो भी कमेंट करके जरूर बताना जरूर। लेकिन मिलते हैं नेक्स्ट कल के व्लॉग में, ध्यान रखें अपना, गुड बाय।